सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को। मैं दीपेश केसरवानी आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम सीजीपीएससी के जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दी है, जरूर आप देख लेना। ठीक, मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। ये 6 क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अब इसको हम 2 से 3 लाइन में ही सॉल्व कर लेंगे और वो भी शॉर्टकट तरीके से, इजी मेथड से, लॉजिक से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा के पास 18 मीटर लंबा कपड़ा है, ठीक है। वह इसे इस प्रकार काटना चाहती है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 4 मीटर अधिक हो, तो उसके छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 18 मीटर कोई कपड़ा है। अब वो बोल रहे हैं कि उसको इस प्रकार काटना चाहती है कि पहला टुकड़ा दूसरे टुकड़े से क्या हो, 4 मीटर क्या हो, अधिक हो। तो ये क्या करेंगे, 18 - 4 कर देंगे, आ गया 14, इसको हाफ कर देंगे, आ गया 7। तो छोटा टुकड़ा 7 होगा और बड़ा टुकड़ा कितना होगा, 11 होगा। ठीक, दोनों मिला के 18। तो हमारा आंसर क्या है, 7। बहुत ही सरल था, इसको हम कई तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। या तो हम 18 को हाफ कर देते तो आ जाता 9। ठीक, और इस 9 में हम क्या -2 कर देते तो क्या आ जाता, 7, और दूसरा वाला 11। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि तरंगों की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है। किसी स्थान पर एक व्यक्ति उत्पन्न ध्वनि को 5 सेकंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी ध्वनि को 6 सेकंड बाद सुनता है। दोनों व्यक्तियों के बीच की अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पीएससी तो पूछा ही है, लेकिन एसएससी में भी ऐसा पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी, जहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पे लेते हैं एक पॉइंट जहां पे एक व्यक्ति है ए। यहां से स्पीड चालू हुई 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड और 6 सेकेंड लेते हैं। ठीक, एक इस साइड है, इस साइड है। अब क्या बोल रहा है, 300 मीटर प्रति सेकेंड बोल रहा है, तो हर सेकेंड में क्या आ जाएगा, 300 जाएगा, हर सेकेंड में 300 मीटर जाएगा। यहां से देखिए, ठीक, ये 300 मीटर हर सेकंड में जाएगा। अगर एक व्यक्ति ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी आ जाएगी यहाँ पे क्या, 300 मीटर। किलोमीटर में बोले तो 0.3 किलोमीटर, ये हमारी न्यूनतम दूरी निकल गई। लेकिन यहाँ पे बी है, लेकिन अगर ए बी इस तरफ हो, मतलब पी यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, मतलब ए कहाँ पे है, पी के सामने साइड, इस साइड, और बी कहाँ पे है, पी के पीछे साइड। तो देखो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, तो हो गया 300 300 300 300, यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300। ठीक, यहाँ से 300 मीटर जा रहा है, 300 मीटर जा रहा है, तो अगर बी पीछे साइड है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पहले तो ये कितना है, 6 सेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 3 = 1800। ठीक, फिर ये क्या है, 300 300 300 300 और 300, ये यहाँ पे है तो ये 1500 + 1500, ये आ जाएगा कितना, 3300 मीटर में। और ये इसको अधिकतम दूरी क्या हो गया, 3.3 किलोमीटर में। समझ में आया होगा कैसे बनाया क्वेश्चन को, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अगर ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे न्यूनतम 300 मीटर आ गया, लेकिन ए यहाँ पे है और बी उसके पीछे साइड है, कहाँ, पी से जहाँ लिए हैं, तब हमारा अधिकतम दूरी क्या आ गया, 3300 मीटर, 3.3 किलोमीटर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम लिखने में। तो हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 और 8 के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अगर ऐसा रहता है, ऊपर का संख्या छोटा रहे और डिस्टेंस बड़ा रहे, तो हम उसको सबसे पहले लिखते हैं, मतलब वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे, 2/3 है, 4/5 है, 3/8 है और 1/2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सब में 0 लगा देंगे पीछे तरफ,
सिर्फ हमें सॉल्व करने के पर्पज से, तो जीरो लगाएंगे इसको, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 6.266, ठीक। इसको करेंगे तो 8 बार में चले जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में जाएगा 24, 6 बचा 60 हो जाएगा, फिर चले जाएगा कितने बार में, 7 बार में 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर ये 3 point something कुछ आएगा, और ये 10 है तो 5। तो यहाँ से आपको एकदम आसान हो गया सॉल्व करना। देखिए आरोही क्रम में जमाना है, मतलब हमें बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, तो सबसे छोटा क्या है, ये है, पहला ये आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये, और ये चौथा। तो हमारा क्रम क्या हो गया, यही देख लेते हैं, 3/8, 1/2, तीसरा क्या है 2/3, और चौथा 4/5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं भिन्न को। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, यदि 4 1/x (y) 1/7 = 9 है, तो x y, x और y के मान क्या होगा। पहला 2 5 दिया है, दूसरा 5 2 दिया है, तीसरा 2 9 दिया है, और चौथा है ये हमारा 7 1 दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, यदि हमें 7 4/1 एक्स गुणा वाई फिर 1/7 = 9, इसमें क्या है, दोनों दो अननोन है, एक एक्स है एक वाई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड जो वैल्यू पुट करके हम आंसर लाते हैं। तो देखते हैं हम इसको, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस होता है, आपको पता होगा 4x + 1 हो जाएगा अपॉन x, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहता है, याद रखना आप इस तरह के को हम प्लस में लिखते हैं, प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 7y + 1 और पॉन में 7 = 9, ठीक। अब इसी में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2 और 5 को पुट करते हैं, मान लो x 2 हो गया, तो 4 × 2, x की वैल्यू 2 रखे हैं, 1 और 2 यहाँ पे, ठीक, गुणा 7 × 5 रख देते हैं, प्लस 1 7। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या देखो, यहाँ पे बराबर का निशान दिया है, तो बराबर 9 आना चाहिए, ठीक। तो देख रहे हैं 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9/2 गुणा 7 × 5 = 35, 36/7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 18/7, जो कि पॉसिबल नहीं है 9 आना, तो ये क्या है, 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता, तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब ये वाला पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 5 और 2, तो 4 × 5 रखते हैं यहाँ पे, प्लस 1 है, यहाँ भी 5 रखेंगे, गुणा 7 × 2 है, प्लस 1/7, ठीक। इसको करते हैं 20 + 1 = 21 हो जाएगा, 4×20 + 21/5 गुणा 7 × 14 = 1+15 = 7, ठीक। इसको ये 3 बार में गया, ये 3 बार में गया, और 3 × 3 = 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, 5 और 9, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 और y = 2, ये हमारा आंसर हो गया। हम इस तरह से भी ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे जाओगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, क्योंकि 2 अननोन है यहाँ पे, x भी है और y भी अननोन है, तो वैल्यू पुट करके देखने में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए चौथे को पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी शहर में मोटरसाइकिलों, कारों व ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 40, 50, 60, ठीक है थी। इन आंकड़ों को पाई आरेख में प्रदर्शित किया जाता है। कारों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाने वाले भाग का केंद्रीय कोण क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कोई शहर है जहां ट्रक, मोटरसाइकिल, कार और ट्रक से एक्सीडेंट होते हैं, जिनकी हमें संख्या दे दिया है, तो हमें बताना है पाई चार्ट में उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और जिसमें कार का क्या कोण होगा। पाई चार्ट क्या, पाई बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, एक सर्कल की तरह रहता है, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 180, टोटल कितना हो जाता है, 360 डिग्री। अब उसने क्या बोला है, देखो मोटरसाइकिल, कार व ट्रक से जो हो रहा है इसमें एक्सीडेंट, 40, 50, 60 दिया है ना, तो 40 + 50 + 60 ये हो गया हमारा कितना, 100 और 150।
हमसे पूछा क्या है उसने, जो कार द्वारा एक्सीडेंट होता है उसका केंद्रीय कोड कितना होगा और कार का वैल्यू कितनी दी है 50। यहाँ पे 150 जो है, 150 जो संख्या है हमारी एक्सीडेंट की, वो किसके बराबर है 360 के, मतलब 150 पूरा वैल्यू यहाँ पुट होगा तो 360 डिग्री बनेगा। हमें पूछा 50 का, तो हम क्या करेंगे इसको 360/50 150 गुणा 50, हम 50 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। देखो ये 50 क्या तीन बार में चले जाएगा और ये एक बार में चले जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 2, यहाँ से दो बार में चले जाएगा और 0 का 0 120 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैंने सॉल्व किया। हमें दिया क्या है 360 डिग्री दिया था और वैल्यू दिया था, जो वैल्यू हमारा क्या है 160 है, डिग्री नहीं है, 150 है हमारा, ये वैल्यू हमारा 150 है, ठीक है। यही 150 हमें 360 के बराबर दिया है, अब इसी को हमने क्या कर दिया 360 को, अगर 150 360 के बराबर है तो 50 कितना होगा 120 डिग्री। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत सरल है। यदि 1.5x इक्वल टू 0.05y तो y माइनस x अपॉन y प्लस x बताइए। ये सबसे सरल क्वेश्चन था जो कि आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, लेकिन सबसे सरल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। 1.5x दिया है और 0.05y, कुछ नहीं करना है इसमें, हम क्या करेंगे जो y है इसको x साइड ले आएंगे, x बटे y कर लेंगे, इक्वल टू जो 1.5 है नीचे चला जाएगा 0.05, और ये हो गया कितना 1.5। अब मैं आपको बताता हूँ x बराबर क्या है, 0.05 बराबर में है, देखो x बराबर क्या है 0.05, y के बराबर में क्या है 1.5, ठीक है। तो हम मान लेंगे x बराबर क्या हो रहा है 0.05 और y बराबर क्या हो रहा है 1.5, तभी तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं ना ऐसे एकदम। आपको देख लो एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आया तो ये ऐसे ही होगा, x बराबर हम इसको माने और y बराबर और इसको हम डिवाइड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब उसमें बोला क्या है y माइनस x और x प्लस y बताइए, तो y माइनस x करेंगे, तो यहीं से y माइनस x करते हैं, y माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 1.45, और x प्लस y करते हैं तो 1.5 प्लस 0.05 तो आ जाएगा 1.55। अब उसने क्या पूछा है x माइनस y बटे x प्लस y, इसको x y माइनस x बटे y प्लस x इक्वल टू आ जाएगा 1.4 इंटू 1.55। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे क्या इतना आ जाएगा 0.935, ठीक है। चलिए मेरा बताया गया मेथड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे CGPSC के पार्ट 4 भी देखेंगे। और हमारे चैनल में विजिट करिए स्टडी स्टार्स, जिसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के बहुत सारे कंटेंट हम आगे भी अपलोड करेंगे, तो चैनल से बने रहिए।